हेलो गाइस, मैं मयंक चौधरी। तो आज हम देखने वाले हैं हुंडई की एल्केज़र हुंडई की तरफ से आने वाली 6 और 7 सीटर ऑप्शन में कार अवेलेबल होने वाली है। फर्स्ट इम्प्रेशन में तो गाड़ी, अगर फ्रंट से बात करते हैं, तो मुझे तो काफ़ी मस्त लगी। जो इसकी फ्रंट ग्रिल है ना, वो क्रेटा से हमें एकदम डिफरेंट देखने को मिल जाती है। फ्रंट ग्रिल में स्लॉट डिज़ाइन दिया गया है, जो गाड़ी को काफ़ी बोल्ड और एग्रेसिव लुक दे रहा है। हेडलाइट की बात करें तो वो हमें सेम एकदम क्रेटा वाली ट्रायो बीम LED मिलती हैं, जिसमें हमें LED DRL और अगर हम नीचे की तरफ आएँ तो हमें इंडिकेटर और फॉग लैंप मिलता है। फ्रंट से अगर हम एल्केज़र को देखें तो बस हमें ग्रिल चेंज मिलती है, बाकी हेडलाइट और डिज़ाइन इज सिमिलर टू क्रेटा। और ये जो कलर आप देख पा रहे हैं, ये है टिया का ब्राउन, लॉन्चिंग कलर है ये एल्केज़र का, और गाड़ी काफ़ी बढ़िया लग रही है इस कलर में भी। फ्रंट से फीचर्स की बात करें तो ग्रिल में हमें 360 डिग्री कैमरा देखने को मिल जाता है। ग्रिल की क्वालिटी की बात करें तो ठीक क्वालिटी की ग्रिल मुझे लग रही है। उसके बाद नीचे एल्केज़र लिखा गया है, नीचे स्किड प्लेट देखने को मिल जाती है। फ्रंट से हमें ऐसा लुक देखने को मिल रहा है एल्केज़र का। साइड की तरफ आएँ तो ऐसे कुछ इसके अलॉय व्हील देखने को मिल जाते हैं। कंपनी हमें अपोलो का टायर ऑफर कर रही है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे 215/55 R18 18 इंच के अलॉय व्हील ऑफर कर रही है कंपनी हुंडई एल्केज़र में। अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है और नया डिज़ाइन निकाला है कंपनी ने। साइड में हमें ऑटो की बैजिंग देखने को मिल जाती है। ORVM भी सिमिलर टू क्रेटा है, बस एक डिफरेंस हमें देखने को मिल जाता है, ORVM के नीचे की तरफ भी हमें कैमरा देखने को मिल जाता है, क्योंकि गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा ऑफर किया गया है। अब जैसा कि गाड़ी में 18 इंच के टायर हैं, तो हमें फुटस्टेप भी देखने को मिल जाता है, जिस पे अगर मैं चढ़ूँ तो इसकी काफ़ी अच्छी क्वालिटी है, आसानी से इस पर चढ़कर कार में इन हो सकते हैं। डोर हैंडल आपको बॉडी कलर देखने को मिल जाते हैं, लेकिन जो डोर हैंडल के ऊपर हमें क्रोम का इस्तेमाल देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी क्रोम शाइनी वाली नहीं है, ब्लैक वाली है, जो अगेन काफ़ी प्रीमियम लुक बना रही है। कीलेस एंट्री का बटन भी आपको देखने को मिल जाता है। रूफ रेल की बात करें तो वो भी सिमिलर टू क्रेटा है, आप देख पा रहे होंगे। एक और चीज़ जो चेंज करी है, ये वाला पार्ट भी ब्लैक कर दिया गया है, और आपने अगर नोटिस करा हो तो ये वाला पार्ट हमें क्रेटा में सिल्वर देखने को मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आप लगा सकते हैं क्रेटा को ही खींच के बढ़ा दिया गया है। बस ये वाला पार्ट जो है, ये इसका एक्सटेंडेड वाला है, और साइड से ऐसी कुछ लुक निकल के आती है हमारी हुंडई एल्केज़र की, आप देख सकते हैं। बाहर वाइट कलर खड़ा है, वाइट कलर में आप देख सकते हैं ऐसी कुछ कार लगती है, काफ़ी सही लग रही है ये वाइट कलर में भी। ऊपर हमें पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। बैक प्रोफाइल की बात करी जाए तो बैक से हमें कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। फ्रंट से जितनी ये सिमिलर टू क्रेटा है, बैक से एकदम अपोजिट है। न्यू डिज़ाइन निकाली है कंपनी ने, ऐसी कुछ इसकी टेल लाइट हमें देखने को मिल जाती हैं। रियर वाइपर, डीफॉगर, शार्क फिन एंटीना, हाई स्टॉप माउंट लैंप, ये हमें हुंडई की बैजिंग, और ये जो मैंने आपको बताया ब्लैक इस क्रोम यूज़ करा गया है, यहाँ एल्केज़र लिखा गया है, जो काफ़ी प्रीमियम लगता है। उसके अलावा पीछे SX वगैरह की बैजिंग नहीं मिलती। गाड़ी में हमें तीन मॉडल आते हैं, प्रेस्टीज, प्लेटिनम और सिग्नेचर। ये जो आप देख रहे हैं, ये है प्लेटिनम ऑप्शनल। जो पीछे से स्पोर्टीनेस ऐड हो रही है, वो डुअल टिप एग्जॉस्ट की वजह से, और ये जो आप देख पा रहे हैं, रियल डुअल टिप एग्जॉस्ट है, जो कि काफ़ी स्पोर्टीनेस ऐड कर रहा है बैक प्रोफाइल में हुंडई एल्केज़र की। इंटीरियर देख लेते हैं कैसा हमें देखने को मिल जाता है। तो जैसे ही हम अंदर आएंगे, उससे पहले मैं बताना चाहूँगा, इसमें हमें इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट वाली देखने को मिल जाती है सीट। तो आपको सिर्फ बटन दबाना है और ये हमारी सीट आगे पीछे हो जाती है। ये भी काफ़ी सही बात है, ये हमारा फुटस्टेप देखने को मिल जाता है। यहाँ कोई भी स्कफ प्लेट नहीं है, सिंपल ये क्रोम दे दी गई है। तो एक बार अंदर चलते हैं कार के, आप लोगों को हुंडई एल्केज़र की एक बार दिखा देता हूँ। तो की आप देख पा रहे होंगे, सेम ऐसी मिलती है, वही जो वेन्यू अपनी i20 और क्रेटा में आती है, सेम वैसी की मिलती है। बस एक फीचर जो एडिशनल हमें देखने को मिल जाता है, वो ये होल्ड वाला, वही सिंपल। अब ये वही सेल्टॉस वाला, किया वाला फीचर इन्होंने भी ले लिया है हुंडई ने। एक बार मैं इसको करके भी दिखा देता हूँ। हमारा होल्ड वाला फीचर है, ये वही किया वाला सेम है। तो ये एक्टिवेट ऐसा होता है, पहले हमें कार करनी पड़ती है लॉक, तो इसका लॉक वाला, ये बहुत ही गंदी साउंड वाला हॉर्न है। लॉक करने के बाद सिंपली हमें इसे होल्ड करना रखता है और कार अपने आप स्टार्ट हो जाती है, आप देखो। तो आपने देखा कार स्टार्ट हो गई है, कभी कभी ये मिसिंग भी मार जाती है। तो अगर ऐसा हो तो लॉक करके आप एक बार दोबारा कर सकते हैं। अगर आपको ऑफ करनी हो तो आपको सिंपली दोबारा ये दबा देना है, कार ऑफ हो जाती है। तो ये वही किया वाला फीचर दे दिए गए, जो कि काफ़ी सही है।
तो अब हम कार के इंटीरियर की बात कर लेते हैं। तो ऐसा कुछ हमें इंटीरियर देखने को मिल जाता है हुंडई एल्काइज़र का, जिसमें आप देख पा रहे होंगे स्टेयरिंग की बात करें तो स्टेयरिंग तो सेम हमें क्रेटा वाला देखने को मिल जाता है। उसके बाद जो मेन चेंज है वो है इसके इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर में, वो काफ़ी प्रीमियम है, उसकी भी हम आगे चल के बात करेंगे। यहाँ की मैं बात करूँ तो ये पूरा मतलब लेदराइट तो नहीं है ये, मतलब हाँ थोड़ा सा फैब्रिक यूज़ किया है, बाकी कलर है। मेन लेदराइट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगा, बाकी ये भी कलर पैनल है सारा। सीट्स की बात करें तो ऐसी कुछ हमें सीट देखने को मिल जाती है, सीट भी सिमिलर टू क्रेटा है, बस अपॉल्स्ट्री का डिफरेंस है। यहाँ में थोड़ी ब्राउनिश लेदराइट अपॉल्स्ट्री देखने को मिल जाती है। उसके बाद ड्राइवर साइड की भी बात करें तो ये सारे पावर विंडो के कंट्रोल, ये अपने ओ आर वी एम अनफोल्ड फोल्ड करने के, उसके बाद ये एडजस्ट करने के। तो एक बार जो मैं मेन हाईलाइट आपको बता रहा था ना इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद हमें ये लाइटिंग भी मिल जाती है इसमें, वही क्रेटा वाली जो कि आप देख पा रहे होंगे रात में जलती है अपनी। और जैसे ही हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसे कुछ इसके डायल आते हैं और एक वेलकम मैसेज भी आता है जो कि अभी ये बताएगी, वेलकम मैसेज भी बोलती है ये। Hi, good afternoon. Have a wonderful day. Don't forget to wear seat belt. तो जैसा कि आपने देखा ये वेलकम मैसेज भी देती है, डोंट फॉरगेट टू वियर सीट बेल्ट, जो कि एक सेफ्टी रिमाइंडर के तौर पे आप कह सकते हैं। इससे हम इरिटेट भी हो सकते हैं तो ये देखना पड़ेगा इसको हम ऑफ भी कर सकते हैं नहीं। यहाँ जो आप ये वाइट देख पा रहे हैं इसको हम हटा सकते हैं, सिंपल वही लेमिनेशन है, वरना पूरा ब्लैक ही है। 10 इंचेस का हमें इसमें इंफोटेनमेंट देखने को मिल जाता है जो कि अगेन क्रेटा वाला ही है और काफ़ी मक्खन चलता है। जो मेन हाईलाइट है ना वो आप देखो, जो इसकी एनिमेशन आती है ना वो आपको ऐसा महसूस करा देगी कि आप कोई महंगी लग्जरी कार में बैठे हो। उसको चेंज करने के लिए हमारे पास यहाँ दिया गया है ड्राइव और ट्रैक्शन का। तो अगर मैं ड्राइव पर दबाता हूँ तो आप देख पा रहे हैं स्नो सैंड मड आ रहे हैं, इनमें कोई एनिमेशन नहीं दी गई, लेकिन जैसे ही हम ड्राइव पर जाते हैं ईको पर हमारी ये एनिमेशन देखने को मिल जाती है। और जो सबसे बेहतरीन एनिमेशन है वो है स्पोर्ट्स की, मतलब सब चीज़ चेंज हो जाती है डायल वायल। और पावर भी देखने को जब ड्राइविंग के लिए कार अवेलेबल होगी तो एक बार पावर भी देखेंगे स्पोर्ट्स में कैसी है, जिस हिसाब का एनिमेशन है उस हिसाब की है या नहीं। तो मेन जो ये फीचर है ये आपको काफ़ी प्रीमियम और मतलब ऐसा लगेगा कि आप कोई लग्जरी कार में बैठे हो। उसके बाद हमें ऐसा कुछ इसमें ऑटो की बैजिंग आपने बाहर देखी होगी, तो ऑटोमेटिक गियर है, इसको पीछे करने के लिए हमें सिंपली ब्रेक प्रेस करना होता है। और यहाँ इसमें एक बटन आता है, इसको जैसे ही हम प्रेस कर लेंगे तो ये अपने आप पीछे हो जाता है। तो जैसे ही हम इसे रिवर्स में लेंगे तो आप देख सकते हैं रिवर्स पार्किंग कैमरा में कुछ ऐसा देखने को मिल जाता है। उसके बाद 360 डिग्री कैमरा भी साथ के साथ ऑपरेट करता है, जिसको हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर इसको एक और बार करना है तो आपको सिंपली बटन दबा के न्यूट्रल पे ही हो जाती है, और अगर आपको ड्राइव करनी है तो ड्राइव पे। और ये जो आप देख पा रहे हैं ये है स्पोर्ट्स की बैजिंग, अगर आपको ये करना है तो आपको सिंपली राइट में ले देना है। जैसे ही आप इसको राइट में लगा दोगे, अब मैंने ये सिंपल यूँ कर दिया, जैसे ही मैं इसे राइट में ले दूँगा तो एनिमेशन भी आ जाएगी स्पोर्ट्स वाली। स्पोर्ट्स में एक्टिवेट होते ही आप अपने पैडल शिफ्टर्स का भी इस्तेमाल कर पाओगे, जो कि आप यूज़ कर सकते हो। तो अब हम इसको पार्क पे ही कर देते हैं, तो ये भी काफ़ी आसान है। तो हमें इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक देखने को मिल जाते हैं, ऑटो होल्ड का फीचर भी मिल जाता है और व्यू का भी मिल जाता है, जिससे आप सारा देख सकते हैं। जो उसके बाद यहाँ में टू कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं, ये हमारे सारे एसी के कंट्रोल, ये हज़ार लाइट जलाने के लिए। नीचे यहाँ में पावर, नीचे हमें वायरलेस चार्जिंग और ये 12 वोल्ट का सॉकेट, यूएसबी और ये चार्जिंग केबल भी देखने को मिल जाती है। यहाँ हमारा आ जाता है हमारा ये जो एयर प्योरीफायर, तो एयर प्योरीफायर मैं कहना चाहूँगा काफ़ी इम्प्रूव करा है। पहले ऐसा लगता था जैसे बिल्कुल हवा नहीं फेंक रही, लेकिन अब ये काफ़ी हवा फेंक रही है, आप देख पा रहे होंगे मुझे काफ़ी अच्छी खासी हवा लग रही है। एयर प्योरीफायर के नीचे अगर देखें आर्मरेस्ट में तो ठीक ठाक जगह, ऐसी कोई खास नहीं है। यहाँ वैनिटी की बात करें तो यहाँ में कोई भी मिरर देखने को नहीं मिलता। उसके बाद ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी इसमें भी दी गई है, जिसमें IRVM पे सारे कंट्रोल देखने को मिल जाते हैं। ये हमारा सनग्लास होल्डर, उसके बाद यहाँ में वाइट लाइट देखने को मिलती है, यहाँ से हम लाइट जला सकते हैं। और ये सनरूफ अपनी पैनारोमिक वही क्रेटा वाली। उसके बाद यहाँ के वैनिटी में हमें मिरर देखने को मिल जाता है, ये कुछ हमें स्पेस देखने को मिल जाती है इसके ग्लोव बॉक्स में, कूल ग्लोव बॉक्स हमें इसका देखने को मिल जाता है। तो आगे का तो कुछ है इसका ऐसा हिसाब किताब है। सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल है कहना पड़ेगा, मज़ा तो आ रहा है गाड़ी में बैठने के बाद। उसके बाद जब टेस्ट ड्राइव के लिए अवेलेबल हो जाएगी ना तो इसको एक दिन चला के भी देखेंगे। और जब बात करेंगे इंजन की मैं बात करूँ तो दो इंजन हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, 2000cc में पेट्रोल इंजन और 1500cc का डीजल इंजन। 1500cc का डीजल इंजन वही है जो कंपनी क्रेटा में दे रही है, तो
क्रेटा वाले इंजन इसमें दे रही है, तो थोड़ा तो इम्प्रूव करना चाहिए था, क्योंकि भाई क्रेटा छोटी गाड़ी हो गई इसके कंपेयर में, ये बड़ी गाड़ी हो गई। और ऐसे हमारी सनरूफ भी लग जाती है, तो सनरूफ लगने के बाद कुछ ऐसा रहता है। तो इस पर हम, ये कपड़ा है बेसिकली, इस पर हम ऐसे भी मार सकते हैं। तो मैं आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट करके पीछे चलता हूँ। ये जो मॉडल है ये है हमारा 6 सीटर वाला है, इसमें हमें पीछे आर्मरेस्ट भी देखने को मिल जाता है। मेन चीज़ हम पीछे की स्पेस भी चेक करेंगे कितनी है और कितनी नहीं है। तो एक बार मैं आगे की सीट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता हूँ। तो पीछे की सीट की स्पेस भी देखेंगे, आगे की सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। पीछे की सीट भी आप आगे पीछे कर सकते हैं अपनी सहायता के अनुसार। ये हमें सन ब्लाइंड देखने को मिल जाते हैं, जो कि ऐसे हम डाउन कर सकते हैं, क्रेटा में भी मिल रहे हैं। तो इसको हम सीट को पीछे भी कर सकते हैं। तो अब मैंने ये सीट सबसे पीछे कर ली है और उसके बाद मैं बैठा हूँ, तो मेरी हाइट है 6 फीट, तो मुझे इतना कुछ स्पेस देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं स्पेस मतलब ठीक ठाक है, कोई ऐसा खास तो सेकेंड रो में तो बढ़िया है स्पेस, आप काफ़ी मज़े से आराम से बैठ सकते हैं। और ये वाली चीज़ भी आप रिक्लाइन आगे पीछे कर सकते हैं। अब मैंने आगे कर ली, पीछे कर ली, तो ये भी आप अपने हिसाब से रिक्लाइन कर सकते हैं, इतना रिक्लाइन भी ठीक है। और अगर टाइट वाली बात हो तो मैं इसको इतना आगे कर लूँगा तो भी मैं कंफर्टेबली बैठा हुआ हूँ। पीछे की बात करें तो ये हमें आर्मरेस्ट देखने को मिल जाता है। ये वाला वेरियंट कैप्टन सीट्स वाला है, आर्मरेस्ट में भी स्टोरेज देखने को मिल जाती है। फर्स्ट इन सेगमेंट जो गाड़ी की बात है, पीछे भी आपको वायरलेस चार्जर देखने को मिलता है और यहाँ हमें ट्यूब कप होल्डर देखने को मिल जाते हैं। गाड़ी काफ़ी मतलब बिजनेस पर्पस के लिए और काफ़ी लग्जरी बनाई गई है, तो उसमें हमें आप देख पा रहे होंगे ये अपना आप आईपैड भी यहाँ रख सकते हैं और वर्क कर सकते हैं आराम से। तो गाड़ी एकदम प्रोफेशनल पर्पस को देखते हुए बनाई गई है। यहाँ तो कुछ ऐसा स्पेस है, पीछे की रो की बात करें तो देखने में तो ऐसा स्पेस लग रहा है, असली तो जब जाएंगे पीछे जब ही पता चलेगी कितना स्पेस है और कितना नहीं है। तो एक बार पीछे और चल के देखते हैं। पीछे जाना भी काफ़ी आसान है, आप खुद भी जा सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ पीछे कैसे जाना है हमें। पीछे जाना भी काफ़ी आसान है, सिंपली आपको ये वाला दबा देना है और हमारी सीट फोल्ड हो जाती है। तो एक ये और इसका वो है डिसएडवांटेज, अगर आप अपनी सीट आगे करके रखोगे ना तो ये फोल्ड और नहीं होती, तो हमें इसको इसीलिए पीछे करना पड़ता है। पीछे करने के बाद हमें ये करना है ऊपर और ये सिंपली ऐसे फोल्ड हो जाती है, तो ये पूरी सीट उठ जाती है। तो थर्ड रो में जाना काफ़ी आसान है, आसानी से मैं आ चुका हूँ। एक बार गेट और लगा लेते हैं, तो गेट मैंने अब लगा लिया है। तो एक बार अब अगर मैं सीट को फोल्ड नहीं करूँ तो मेरे पास कुछ इतनी स्पेस है, और अगर मैं सीट को लगा लेता हूँ, सीट मैंने लगा लिया अभी, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल में ही आप देख लो मेरी 6 फीट हाइट है, पैर तो मेरे अड़ रहे हैं। उसका ध्यान ऐसे करके तो बैठ सकते हैं। ये भी सीट काफ़ी आगे है, इसको भी मैं थोड़ा पीछे कर देता हूँ। अब ये भी मैंने पीछे कर ली, तो थोड़ा एडजस्ट करके तो हम बैठ सकते हैं। जैसे अगर कोई एक ही बंदा बैठने वाला हो ना पीछे, तो वो तो आराम से चप्पल वप्पल उतार के ऐसे आसानी से बैठ सकता है। लेकिन वही बात आ जाए अडल्ट के बैठने की, एक दो वो तो यहाँ कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएंगे। आप देखो मतलब मैं तो आ ही नहीं पा रहा, बैठ ही नहीं पा रहा सही से, तो मुझे यहाँ बीच में ऐसे होके बैठना पड़ रहा है। तो थर्ड रो की स्पेस की बात करें तो थर्ड रो में स्पेस तो नहीं है। अगर वहीं सीट थोड़ी सी आगे कर लेते हैं, उसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ। एक बंदा बैठेगा आगे 6 फीट से कम का, जब कितनी स्पेस मिलती है मुझे। तो आगे अभी 5-6 हाइट के पैसेंजर बैठे हैं और आप देख सकते हैं इतनी कुछ स्पेस उन्हें मिल रही है। तो अगर वो अब जैसे मेरी हाइट 6 फीट है, तो अभी मुझे फ़िलहाल इतना लेग रूम है और उनके लिए इतना लेग रूम है, आप देख पा रहे होंगे। अगर वो थोड़ी सी सीट पीछे लेंगे, आप जरा थोड़ी सी सीट एक बार पीछे लो, अगर वो सीट पीछे ले लेते हैं तो थोड़ी स्पेस मेरे को टाइट पड़ जाती है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आगे भी 6 फीट का पैसेंजर हो और पीछे भी 6 फीट का बैठे तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर आगे थोड़ा कम टॉल पैसेंजर बैठे तो अपन इजीली बैठ सकते हैं और सफिशेंट अपने लिए स्पेस मिल जाती है। और ये वाला ग्लास एरिया से अपन को मतलब अंधेरा अंधेरा सा महसूस भी नहीं होगा। बाकी सनरूफ से भी कैबिन काफ़ी ओपन लगता है, तो ऐसा सच आपको इशू आएगा नहीं। मतलब छोटे डिस्टेंस के लिए तो अडल्ट बैठ सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नी पे जा रहे हैं जब तो परेशान हो जाएंगे, जब तो इसके पीछे की सीट बच्चों के लिए ही सही है। बॉस का म्यूज़िक सिस्टम देखने को मिल जाता है, जो कि आप सुन लो पहले, उसके बाद हम बात करेंगे। तो आपको मैं सुना देता हूँ बॉस का म्यूज़िक सिस्टम एल्केज़र का। Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that.
It's alright. Hush. म्यूजिक सिस्टम की बात करें अभी तो मैंने सिंपल एनसीएस का गाना चलाया था, लेकिन जो अगर आपको हरियाणवी और सिंपल हिंदी गाने सुन लें तो यहाँ मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आ रहा होगा, मैंने सुने, तारीफ करना चाहूँगा, मतलब काफ़ी शानदार, मज़ा आ गया एकदम। अंदर की स्पेस और उन सब चीज़ों की तो बात कर ली, तो एक बार यहाँ भी खोल के देख लेता है। तो बूट हमें इलेक्ट्रिक नहीं मिलता, सिंपल हाथों से ही खोलना पड़ेगा। तो अगर आपने अपनी सीट फोल्ड नहीं कर रखी ना, तो आपको ये जो स्पेस देखने को मिल रहा है ये है हमारा 180 लीटर्स का। यहाँ आपके एक दो बैग आ सकते हैं आसानी से, ज़्यादा कुछ नहीं आ सकता। बूट लैंप भी हमें देखने को मिल जाता है। वहीं अगर आप सीट्स को फोल्ड कर देते हो, ये अगर हम सीट फोल्ड कर देते हैं, सीट फोल्ड के लिए सिंपली आपको ये करना है, खींचना है और सीट फोल्ड कर देनी है, तो ये फ्लैट फ्लैट हो जाती है पूरी सीट, और आपको अप्रॉक्स 600 लीटर का बूट स्पेस मिल जाता है अगर आप इनको फोल्ड कर देते हैं। तो ये वाला सीन है इसका, अगर आपको मतलब सातों पैसेंजर जा रहे हैं तो 180 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा, और अगर बूट कैरी करना है तो सिंपल आपको सीट फोल्ड करनी है और 600 लीटर का बूट स्पेस मिल जाएगा। ऐसे हम इसे लगा सकते हैं, पीछे से कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। एक बार इंजन इसमें हमें काफ़ी रिफाइंड देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं इंजन अभी ऑन है, डीजल इंजन है, लेकिन फिर भी हमें नॉइज बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलती, तो काफ़ी रिफाइंड इंजन है इसका। हमें ऑन रोड प्राइस देखने को मिल जाती है, तो वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा कि कितने की क्या ये ऑन रोड पड़ जाती है। ऐसा कुछ हमारा डिटेल रिव्यू था हुंडई एल्केज़र के बारे में, जिसमें मैंने आपको A to Z हुंडई एल्केज़र के फीचर सब के बारे में, जो हमें इसमें रियर की स्पेस देखने को मिल जाती है, सब चीज़ के बारे में बता दिया। तो ऐसी कुछ ये वीडियो थी, अगर आपको वीडियो बढ़िया हेल्पफुल इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर पहली बार आए हो तो ऐसे अमेजिंग रिव्यूज़ के लिए चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।